बच्चे सड़क से कोई चीज उठाते हैं ना तो निपटान पड़ते हैं। और अरमान तो सड़क से एक बहू उठा के लाया जो घटिया बदतमीज और बेहूदी है, और तुम उसकी मुंह दिखाई करना चाहती हो। हम सीन में देख रहे हैं कि दादी जो है पूरे फैमिली वाले के सामने अबीरा को बहू मानने से इनकार कर दिया है। ठीक है, वो मुंह दिखाई की रस्म भी सिर्फ रूही के लिए करना चाहती है, और वही कहीं ना कहीं अरमान पूरी जोर लगा रहा है कि अबीरा मतलब दादी एक्सेप्ट कर लें अबीरा को बहू के रूप में। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अरमान पूरी कोशिश कर रहा है कि जो जिम्मेदारी उसकी मैम ने उसको सौंपी है, तो अगर उसके घर में अबीरा को रहना है तो अबीरा को कोई भी उसका घर वाला परेशान ना करे, हर कोई उसको एक्सेप्ट कर ले। उसकी अरमान की यही कोशिश है कि जो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो निभा सके। वो पैरेलली रखना चाहता है, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहता है और अबीरा को भी दुख नहीं देना चाहता। दैट्स ऑल। मैंने देखा कि दादी के सामने अरमान हाथ जोड़ के भी खड़ा हो गया था कहीं ना कहीं कि अबीरा बहुत प्रॉब्लम में है, उसे हमारे परिवार के सहारे की ज़रूरत है, उसके बावजूद दादी ने ना कर दिया। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अरमान अपने गिल्ट में है, अरमान अपने गिल्ट में जी रहा है, तो उसकी उसकी सोच है कि अगर वो अबीरा को घर पे लेके आया, एक जिम्मेदारी अपने घर पे लेके आया, तो उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए, उसको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अबीरा ने अपना सब कुछ खो दिया। उसका सब कुछ माँ थी, तो माँ छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया, तो मेरे घर में आए तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि उसको अच्छे से रखना, कम्फर्टेबल रखना। और दादी का टेक अपना टेक है, क्योंकि उनको पहले भी हर्ट किया मेरे पापा ने और मैंने वही चीज़ दोहरा दी है, तो दादी का वो जो दिल टूटा है तो वो भी जस्टिफाइड है। तो ये पैरेलली अरमान कैसे सब चीज़ें ठीक करता है, तो आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है देखना पड़ेगा। आप रूम में आए हैं अबीरा को मनाने के लिए या कहीं ले जाने के लिए, क्या है ओवरऑल सीन वो? मैं अबीरा को मनाने के लिए, अबीरा जो मेरे घर पे आई है उसकी मॉम की यादों से बहुत सता रही है, तो ऑब्वियसली जब किसी का अपना कोई दूर चला जाता है, आपको छोड़ के चला जाता है, तो आपका खाना खाने का भी मन नहीं करता, तो उसने 3-4 दिन से खाना नहीं खाया, तो मैं उसको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि तुम खाना खा लो वरना बीमार हो जाओगी, तो इट्स लाइक दिस। क्या आपको पता है बिहाइंड द कैमरा आपकी मनाने के बाद अबीरा नहीं आई, बट उन्हें भूख बड़ी तगड़ी लगी है। जलेबियाँ खा रही थी वो, जलेबियाँ खा रही थी, अभी नीचे से एक और टिफ़िन मंगवाया, अभी यहाँ पड़ा था, बड़ा यूनिक सा टिफ़िन था, तो बहुत खाती है वो, वैसे बहुत फूडी है, सीन में तो कहाँ भूखी रह रही वो। Okay, thank you, sir. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.